मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं इंद्रलोक की एक फ्रेश वीडियो। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, दिल्ली अपनी पटरी मार्केट अपने खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे इंद्रलोक है, उस पे भी बहुत अच्छी पटरी मार्केट लगती है, वो सिर्फ थर्सडे को ही लगती है। रोड साइड पे आपको बेडशीट वगैरह नजर आ जाएंगी, कपड़े नजर आ जाएंगे। इस तरीके की बेडशीट अगर आपको चाहिए ना, तो आपको सिर्फ 150 में मिलने वाली है। कॉटन इनका फैब्रिक रहेगा, अलग अलग आपको प्रिंट मिल जाएंगे। और ये सारी की सारी कॉटन की थी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था इसका। और कॉटन का ना कई बार क्या होता है ना, बेडशीट का कलर चला जाता है, पर ये भैया बता रहे थे इनका कलर नहीं जाएगा। पूरी की पूरी जो पक्के वाली चादरें होती है ना, वो वाली चादरें थी। आपको इसमें कलर बहुत सारे मिल जाएंगे। और घरों में ना इस तरीके के डार्क कलर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, स्पेशली समर्स में। छोटे बच्चों के कपड़ों के भी बहुत सारे क्यूट क्यूट से ऑप्शन थे। आपको पूरा का पूरा पेयर जो मिलेगा ना, वो आपको 150 रुपीस का मिलेगा। समर के इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स, लोअर, कैप्री वगैरह मार्केट में आए हुए हैं। छोटे बच्चों के तो बहुत अच्छे अच्छे आपको टी शर्ट्स और निक्कर मिल जाएंगी। ये पूरी पूरी जो ढेरी थी ना, इसमें छोटे बच्चों के ही कपड़े थे, बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट्स थी। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कहीं मटेरियल इतना सस्ता है तो यूज तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी यूज नहीं है। आपको नया मटेरियल मिलेगा, चाहे आप इस तरीके का फैब्रिक लें या बच्चों के कपड़े लें। फैब्रिक का जो प्राइस रहता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फैब्रिक ले रहे हो। प्लेन वाला आपको 80 रुपये भी मिल जाएगा। इस तरीके का अगर आप डिज़ाइन में लेते हो ना, तो ये पूरा का पूरा सूट आप लोगे तो आपको 300 रुपये का पड़ेगा। बाकी मीटर के हिसाब से भी इनकी प्राइस रेंज रहती है, सबका अलग अलग प्राइस रहता है। 50, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये मीटर तक इनकी प्राइस रेंज जाती है। कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, अलग अलग आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। अगर आपको अनस्टिच सूट भी चाहिए ना, उनकी भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। हर जगह आपको इस तरीके के सूट जो रहते हैं ना अनस्टिच वाले, वो आपको 350 की रेंज में देखने को मिलेंगे। और 350 ना इन सूट के लिए बहुत ही सही प्राइस है, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ऊपर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, काफ़ी सारे सूटों के इन्होंने ऊपर डिस्प्ले लगाए थे, ताकि इनको ओपन करके ना दिखाना पड़े और डिज़ाइन का आइडिया लग जाए। प्राइस सबका सेम रहने वाला। कॉटन का लीजिए, चिकनकारी का लीजिए, गोटा पत्ती वाले सूट लीजिए, या आपको ऐसा कुछ थ्रेड वर्क में चाहिए तो वो भी आपको 350 में पड़ेगा। नंबर ऑफ कलर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको कट पीस में कुछ चाहिए तो 40 रुपीज मीटर आपको इस तरीके के थान मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कपड़ा था, सॉफ्ट कपड़ा था। फियोना का जो कपड़ा आजकल चल रहा है ना, वो वाला कपड़ा था, बहुत ही प्यारा था। जिसपे हाई लव करके प्रिंट है ना, ये वाला प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा। इसकी कुर्ती भी बहुत बढ़िया बनेगी और इसका कलर भी काफी अच्छा था। बैग्स वगैरह आपको 200-200 रुपए में बैग मिल जाएंगे। नॉर्मली इस तरीके के बैग आपको कहीं पे 300 रुपए में और कहीं पे 250 रुपए में दूसरी मार्केट्स में मिलते हैं, बट इंद्रलोक में ये सब चीजें आपको काफी सस्ती मिलेंगी। इंद्रलोक मार्केट भी ना जैसे लोकल मार्केट्स रहती है ना, वैसे ही मार्केट रहती है। बट लोकल मार्केट्स में और इस मार्केट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको चीजें बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस पे मिलेंगी। ये वाली जो छोटे वाले बैग है, ये सब आपको 150 रुपीस में मिलेंगे। काफी अच्छे बैग थे, नंबर ऑफ वैरायटी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग सेक्शंस थे। कपड़ों की जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरे के पूरे सूट हैं। सलवार का कपड़ा इसके साथ है और ऊपर जो सूट सिलता है उसका भी कपड़ा है। 350 रुपए का ये आपको पूरा का पूरा पड़ेगा, काफी अच्छे थे। और ये बनारसी वाला कपड़ा था, इसका ना पटियाला सूट सिलवा सकते हैं, कुर्ती सिलवा सकते हैं सेम प्लाजो के साथ। जो पैंट प्लाजो रहती है ना, वो काफी अच्छी लगती है और काफी अच्छा था। साथ में दुपट्टा भी इसके साथ रहने वाला है, तो समर में ना आप एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो लुक रहते हैं ना, वो क्रिएट करा सकते हैं इस तरीके के सूट सिलवा के। ये वो बंधेज वाले सूट रहते हैं ना, एक फीलिंग आती है बंधेज वाली, वैसे वैसे सूट थे जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। 350 में आपको ना इतने प्यारे सूट देखने को मिल जाएंगे। ये वाले सूट भी 350 में थे और इनको देख के कोई भी नहीं बता सकता ये सूट 350 के। नॉर्मली शॉप पे अगर आप 350 में सूट लेने जाओगे ना, इतना वाहियात सा सूट दिखाते हैं। और जबकि जब से मैंने पटरी मार्केट कवर करना शुरू करा है ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि पटरी मार्केट से 350 वाले सूट लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छे सूट रहते, क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, फैब्रिक जो रहता है ना वो भी बहुत बढ़िया रहता है। टॉवल्स वगैरह आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मिलने वाले। 150 रुपीस के आपको दो टॉवल मिलेंगे, इस तरीके के टॉवल रहेंगे। लेंथ और विड्थ आपके सामने है, डिजाइन आपको काफी सारे मिल जाएंगे। देखिए एक ये वाला डिजाइन है, बाकी जो ये सामने है डिस्प्ले में, ये सब आपको 125 रुपए का एक टॉवल मिलेगा।
तो जो क्वालिटी रहती है ना टॉवल की, उनमें भी माइनर माइनर डिफरेंस रहता है, ताकि आपको प्राइस में और कपड़े में एक जस्टिफाई डिफरेंस नजर आए कि भाई ये 125 रुपए का क्यों है और ये 150 रुपए के दो क्यों है। वो थोड़े हल्के पतले रहते हैं। 50-50 रुपीस में आपको बैंगल्स मिल जाएंगे। बैंगल्स में भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएंगी। इस तरीके के बैंगल्स आपको 50 रुपीस में मिलेंगे। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको ज्वेलरी में भी इधर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आपको अपने घर के लिए यूटेंसिल चाहिए, कपड़े चाहिए, टॉप चाहिए हैं या बच्चों के कपड़े चाहिए, आपको हर चीज़ इस मार्केट में मिलेगी। इंद्रलोक जो मार्केट है वो सिर्फ थर्सडे को ही लगती है। इस तरीके के गोल्डन कड़े आपको 100 रुपीज के मिलेंगे। इनका प्राइस तो हर जगह सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ। सूट वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे, वो भी 300-300 रुपये में। जितने भी मैं अभी आपको सूट दिखा रही हूँ ये सब सेम रेंज के थे। 300 इसकी रेंज रहेगी विद दुपट्टा एंड प्लेन बॉटम आएगा। काफ़ी अच्छा था। और सिलने के बाद ना इस तरीके के सूट बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, और मुझे तो ऐसे फॉर्मल वियर में काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे आप जुतियाँ पहन सकते हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इनको पेयर अप कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बट ना हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके के सूट लेना, उनको या तो आप ड्राई क्लीन कराएं या फिर आप उनको शैम्पू में वॉश करके बाहर से इन पर प्रेस कराएं। ये बिल्कुल UKU नए रहते हैं और इनका कलर भी फेड नहीं होता और प्रॉपर शाइनिंग बनी रहती है। मुझे इस तरीके के सिंपल डिज़ाइन के सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों के लड़कियों के फ्रॉक आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। 150 के दो मिलने वाले हैं फ्रॉक आपको। और ये जो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 5 साल से लेके 17 साल की लड़की तक आ जाएंगे। ये आगे की तरफ बड़ी लड़कियों के लिए फ्रॉक लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे थे। 14 साल तक की लड़कियों को आ जाएंगे। काफ़ी अच्छे फ्रॉक थे। आपको प्रिंट अलग अलग मिल जाएगा, पोल्का डॉट में चाहिए, फ्लोरल में चाहिए, या फिर 4-5 साल के आपके घर में कोई बच्ची है तो आप उसके लिए इस तरीके के फ्रॉक ले सकते हैं। कॉटन में थे फ्रॉक, बहुत ही अच्छे थे, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी। और सबसे अच्छी बात थी कि 150 के दो मिल रहे थे। 200-200 रुपये में आपको जीन्स मिलेगी, वो भी विद बेल्ट, और इतनी अच्छी जीन्स थी। आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ब्लू की शेड्स मिल जाएंगी, और यहीं से आपको ना 250 की रेंज में शर्ट्स भी मिल जाएंगी। तो आप जीन्स के साथ शर्ट भी इधर से मैच करा सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे आपको इधर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जोगर्स मिल जाएंगे। इस तरीके के आपको ना जोगर्स यहाँ पे सेम प्राइस रेंज में 200 रुपये मिलेंगे। ऊपर वाली जितनी भी ड्रेसेस है ना वो सब 200 रुपीज़ की रेंज की है। मुझे ना 2-3 व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम इंद्रलोक से बच्चों की शॉपिंग करें या सरोजनी से। पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी मार्केट पड़ रही है। बाकी इंद्रलोक में भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी और सदर में भी आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिलेंगी, प्लस सरोजनी तो है ही जिसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी रहती है। बट मुझे इंद्रलोक मार्केट में भी काफ़ी अच्छे अच्छी चीज़ें देखने को मिली जो कि बच्चों से रिलेटेड थी। इस तरीके के फ्रॉक आप ले सकते हैं यहाँ पे 250 की रेंज में। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि डिस्टेंस कितना कहाँ से क्या पड़ रहा है, आप उस हिसाब से मार्केट जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ये पिंक वाला जो फ्रॉक था ये आपको 200 रुपये का पड़ेगा। डिज़ाइन इसमें बहुत सारे थे। एक ये वाला डिज़ाइन है, जितने भी छोटे बच्चों के फ्रॉक मैं आपको अभी दिखाऊंगी सब 200 रुपये के हैं, और थोड़े बड़े वाले फ्रॉक 250 के रहेंगे। ये वाला भी आपको 200 रुपये का पड़ेगा। इस तरीके के जो परी वाले गाउन रहते फ्रॉक रहते वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे। चूड़ियाँ वेलवेट वाली आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, और पिछले दिनों तो इतनी ज़्यादा ट्रेंड में थी कि लोगों ने अपने सूटों के साथ मैचिंग में यही सब चूड़ियाँ खरीदी। मैंने भी बहुत सारी चूड़ियाँ ली थी, और ये सब ना आपको 40-40 रुपीज़ का पूरा पैकेट मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे कलर्स रहते हैं और पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है। आपको बेलीज वगैरह काफ़ी अच्छे इधर मिलेंगी। 200 रुपये की रेंज में आपको बेलीज मिलेंगी। अलग अलग आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप अगर इनके अंदर एक्स्ट्रा सोल भी डलवाना चाहते हो ना तो आप वो भी डलवा सकते हैं। बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, कलर्स इसमें 4-5 थे। साथ में ना बच्चों के भी आपको मिल जाएंगे, बड़ों के साथ आप छोटे बच्चों के लिए भी चीज़ें खरीद सकते हो यहाँ से। इनका भी सेम प्राइस था, छोटों के लिए लो या बड़ों के लिए एक ही प्राइस था 200 रुपये। इसमें दो ही कलर थे, ऑफ वाइट एंड ग्रे। अनस्टिच सूटों के तो आपको नंबर ऑफ वैरायटी देखने को मिलेंगी। कॉटन में तो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे 350 रुपये में। तो अगर आपको अपने लिए डेली वेयर के लिए कुछ इस तरीके का चिकनकारी सूट चाहिए या कॉटन में सूट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, और आपको बहुत पसंद आने वाले। हमेशा क्या रहता है ना, हम ये सोचते हैं कि महंगी चीज़ें ही अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं होता। 1800-2000 रुपए के सूट भी ख़राब निकल जाते हैं, और यहाँ से अगर आप 350 का भी एक अच्छा सूट देख के लेते हो ना वो भी आपका ख़राब नहीं निकलता है। तो डिपेंड करता है
कि आपने कैसी क्वालिटी ली है, वो फैब्रिक कैसा था। आपको कॉटन में तो बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, ये वाला भी बहुत बढ़िया लग रहा था, मतलब इसका कलर काफी ज्यादा अच्छा था और बॉटम भी बहुत बढ़िया थी। 200-200 रुपए में आपको बेडशीट मिलेंगी, डबल बेडशीट रहने वाली है। ये टाई डाई वाला प्रिंट था जो थोड़ा सा ऑयल पेंटिंग में यूज होता है ना, और वो डिजाइन बनते वैसे वैसे डिजाइन थे, जो कि थोड़े से अलग डिजाइन थे। बाकी आपको 200 रुपए की रेंज में काफी अच्छे प्रिंट्स मिल जाएंगे। किसी को बॉक्सेस वाले प्रिंट पसंद है, तो किसी को प्लेन बेडशीट पसंद है, तो उनके लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कर्टन्स आपको सेम रो में ही आपको कर्टन्स मिलेंगे। इन वाले भैया के साथ पास ना कर्टन्स भी थे, काफी अच्छे कर्टन थे। कर्टन में भी आपको ना नेट वाले कर्टन चाहिए या फिर थोड़े साटन वाले जो शाइनिंग वाला कपड़ा रहता है उसमें कर्टन चाहिए, वो आपको इधर मिल जाएंगे। इनके प्राइस की बात करूं तो 500 रुपए की चार थे। उसमें क्या रहेगा, दरवाजे के दो आएंगे और विंडो के दो आएंगे, चार आपको 500 रुपए में मिलेंगे। इनमें से आप कोई भी लीजिए, आपको 500 रुपए का ही पड़ेगा। मैंने शॉप से कर्टन लिया था, वो मुझे 300 रुपए का पड़ा था। नो फिट का मेरा कर्टन था, जबकि यहाँ पे बहुत सस्ते हैं कर्टन, तो अगर आपको कर्टन्स भी लेने आप ले सकते हैं। सॉक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सॉक्स जो एंकल वाली है या फुल वाली है वो सब आपको 100 रुपए के 5 पेयर पड़ेंगे, 100 की 5 जोड़ी पड़ेंगी। तो आप ना बहुत सारी चीजें इधर से ले सकते हैं, सॉक्स वगैरह ले सकते हैं, हैंकी आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीजें ना डेली यूज में यूज होने वाली है और काफी अच्छी प्राइस रेंज पे मिलती है। तो क्या फर्क पड़ता है कि हमने पटरी मार्केट से लिया है, मॉल से जाके लिया है या शॉप से जाके लिया है, डिपेंड करता है कि चीज अच्छी आनी चाहिए। टी शर्ट आपको 150 रुपए की दो मिलेंगी, ये भी बच्चों की टी शर्ट थी। अगर आपने नोट किया होगा ना, बच्चों का कितना अच्छा आइटम है, बहुत बढ़िया चीजें आपको इधर मिल जाएंगी और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आप हर हफ्ते भी चीजें पहनाते हो ना, तो 400-500 रुपए में आप अलग अलग टी शर्ट्स उनको पहना सकते हो, और डिजाइन भी काफी अच्छे हैं, कलर्स भी बहुत बढ़िया, और हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। देखिए, जो जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए आप इस तरीके की क्यूट क्यूट ड्रेसेस भी ले सकते हो। तो दिल्ली ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि खाने के लिए भी बहुत फेमस है, अपने कपड़ों के लिए, अपनी पटरी मार्केट के लिए, चोर बाजार वगैरह आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लाजो सूट्स वगैरह आपको काफी अच्छे मिलेंगे, मैचिंग प्लाजो रहने वाला है कुर्ती के साथ। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 300 रुपए इनका प्राइस रहेगा। कॉटन में थी, काफी अच्छी थी। अगर आपने नोट किया होगा ना, तो प्लाजो पे भी कुछ कुछ प्लाजोस पे नीचे की तरफ कढ़ाई है, और पहनने के बाद इस तरीके की प्लाजो काफी अच्छी लगती है। ये रेड वाली कुर्ती भी काफी सही थी, इसकी भी प्लाजो पे नीचे देखिए काम हो रखा, कढ़ाई हो रखी है। तो अगर आपको अपने लिए कुछ इस तरीके के प्लाजो सूट चाहिए हैं, तो वो आपको मिलेंगे सिर्फ 300 रुपए में। और आपको भी अगर इंद्रलोक मार्केट आना है, तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो इंद्रलोक का ही पड़ेगा, नीचे से ही मार्केट स्टार्ट होती है। 50-50 रुपीस में 50 रुपए मीटर आपको इस तरीके का कॉटन का कपड़ा मिल जाएगा। अगर आपको कुर्ती का लेना है तो आप 2.5 मीटर कुर्ती के लिए ले सकते हैं, नहीं तो 5 मीटर में पूरा का पूरा बॉटम और अपर सिल जाता है। 60 रुपए मीटर आपको प्लेन कपड़ा मिलेगा, इस तरीके का प्लेन कपड़ा रहेगा। ये भी ग्लेस कॉटन में था, काफ़ी अच्छा था। अलग अलग आपको इसमें कलर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि प्रिंटेड शर्ट सिलवानी है, प्रिंटेड सूट सिलवाना है, या फिर प्लेन बॉटम चाहिए, तो आप साथ में मैचिंग करा सकते हैं। मैचिंग वाले का जो प्राइस रहेगा वो 60 रुपीस पर मीटर रहेगा प्लेन का। रोड साइड पे ही आपको इस तरीके के प्लाजो सूट के और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्लेन कुर्ती इस तरीके की मिलेगी और प्लाजो प्रिंटेड मिलेगा। 200 रुपए इसका प्राइस रहने वाला। आप साइड में देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस थे। आपको कुछ कुछ ऑप्शंस में क्या मिलेगा, प्लेन बॉटम मिलेगी, डिजाइन वाली कुर्ती मिलेगी, और वो भी सिर्फ 200 रुपए में। सामने डिस्प्ले वाले सूट जो हैं वो आपको 350 रुपए के मिलेंगे, बाकी जो कुर्ता और प्लाजो सेट है वो 200 रुपए का रहेगा। ये वाला कलर भी काफी अच्छा लग रहा था, और ये ना इस तरीके के कपड़े पहनने के बाद काफी अच्छे लगते हैं। अगर आपको कट पीस में कुछ चाहिए तो ये 220 रुपए का 4 मीटर रहेगा, जिसमें आपका सलवार का कपड़ा भी आ जाता है और सूट का भी आ जाता है। बहुत सारे आपको प्रिंट मिल जाएंगे, सामने आप इनके प्रिंट देख सकते हैं। सूट जो सामने डिस्प्ले पे है वो आपको 350 की रेंज में मिलेंगे। थान का कपड़ा सब आपको 220 रुपए का 4 मीटर मिलेगा। सब प्रिंटेड था, डिजिटल प्रिंट का काम था। समर में इस तरीके का कपड़ा काफी सही रहता है। प्लेन में अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लेन वाले का सेम प्राइस है जो लास्ट शॉप पे था, वही इसका प्राइस है 60 रुपए मीटर। ये आपको 220 रुपए का 4 मीटर पड़ेगा।
दुपट्टे वगैरह आपको चाहिए, कॉटन के दुपट्टे, बंद हीच के दुपट्टे, तो वो सब आपको 150-150 रुपए के दो दुपट्टे मिलेंगे। प्लेन दुपट्टे भी मिल जाएंगे जिस पर गोल्डन कलर की लेसेस होती हैं। इस तरीके की जो कॉटन के दुपट्टे रहते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी सही मिल जाएंगे। देखिए कि ये वाला दुपट्टा था जिसमें सिल्वर कलर की लाइनिंग्स बनी हुई थी, तो अपने सूट वगैरह के साथ आप इस तरीके के मैचिंग दुपट्टे ले सकते हैं। ये सब अगर आपको बंदेज वाले दुपट्टे चाहिए ना, ये आपको 100 रुपए के दो पड़ेंगे, ये भी काफ़ी अच्छे थे। अगर आपको कॉटन में चाहिए वो भी आपको सेम प्राइस पे मिलेंगे। शर्ट्स वगैरह आपको 200 रुपए के रेंज में मिल जाएगी। शर्ट में भी आपको दो तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। प्लेन, प्रिंटेड, लाइनिंग, तीनों ही ऑप्शन इनके पास थे। साइज डबल एक्सल तक, ट्रिपल एक्सल तक भी साइज मिल जाएगा, स्मॉल टू ट्रिपल एक्सल रहेगा। नंबर ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, डिजाइन सब आपके सामने है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने सही प्रिंट थे। अब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देख के चुपके चुपके निकल जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।